नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि इवॉपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इवॉपरेशन को आप मेजर कैसे कर सकते हो, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इवॉपरेशन नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब बताइए कि मेजर क्यों करना है इवॉपरेशन को, जरूरत क्या है मेजरमेंट के। तो जैसे अगर हम कोई रिजर्वायर बनाते हैं या कोई लेक बनाते हैं, ठीक है, क्यों बनाते हैं रिजर्वायर या लेक, पूरे शहर को पानी सप्लाई करने के लिए या किसी प्लांट के लिए, है ना। तो जब आप रिजर्वायर बनाओगे तो उसको किसी एक कैपेसिटी के लिए बनाओगे, ठीक है। तो उसमें से कोई लॉसेज होंगे जो कि इवॉपरेशन के कारण हो रहे होंगे, उनको भी कंसिडर करके बनाओगे ना आप, नहीं तो बाद में आपको आपने बना दिया रिजर्वायर बिना कोई कंसिडरेशन के, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जितना पानी चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, कुछ पानी इवॉपरेशन में चला जाएगा लॉस के जैसे। तो आपको पहले से अगर पता चल जाए कि वो पानी कितना जाएगा लॉस में, तो आप क्या करोगे, उसको पहले से बड़ा डिज़ाइन करोगे ऑब्वियसली। तो मेजरमेंट ऑफ इवॉपरेशन किसके काम आता है, कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के, ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड्स क्या क्या है इसकी, आप इसको कौन कौन सी मेथड्स से निकाल सकते हो, है ना, मेजर कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है विद द हेल्प ऑफ इवॉपरीमीटर डाटा, याद लो लिख सकते हो आप इवॉपरीमीटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इवॉपरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी करी, ठीक है, उसके बाद कुछ अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला दिए, उसमें डाल के आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूलाज। थर्ड है विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल डाटा, ठीक है, किससे कर सकते हो आप, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। अब ये एनालिटिकल मेथड कौन सी हो सकती हैं, ये आपका वाटर बजट इक्वेशन हो सकता है, एनर्जी इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। हम दो फॉर्मूले देखेंगे एम्पेरिकल, दो मेथड देखेंगे एनालिटिकल, और उसके पहले हम देखते हैं इवॉपरीमीटर, ठीक है। इवॉपरीमीटर क्या होता है, आइए देखते हैं इवॉपरीमीटर, ठीक है। इवॉपरीमीटर बेसिकली क्या है, मान लो ये कोई लेक है, ठीक है, ये कोई लेक है। अब आप इसका डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते कि इसका इवॉपरेशन कितना हुआ है, डायरेक्ट आपको पता है कि हाइट क्या है लेक की और फिर कितना कम होते जा रहा है वो। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेक के ही जैसा छोटा सा पैन ले लेते हैं, ठीक है। पैन ले लोगे आप, एक बर्तन हो गया पैन, है ना, उसमें पानी डाल दोगे, ठीक है, और फिर क्या होगा, उससे इवॉपरेशन होगा, है ना। लेकिन लेक के कंपैरिजन में ये इवॉपरेशन का रेट ज़्यादा होगा, है ना। तो उसको कैसे कंपनसेट करेंगे वो हम देखेंगे। अभी आप जनरल टर्म में समझेंगे इवॉपरीमीटर क्या है, कुछ नहीं है, एक पैन है जो कि एक हम एक लेक जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, और इसका पानी सन के कारण क्या हो जाएगा, इवॉपरेट होता जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग इवॉपरीमीटर आते हैं, टाइप्स ऑफ इवॉपरीमीटर, ठीक है। तो पहला है जो सबसे पुराना है वो है क्लास ए पैन, ठीक है, क्लास ए पैन। कैसा होता है ये, इसका 1210 mm का डाया होता है, ठीक है, 1210 mm का डाया होता है, मतलब डाया है मतलब पैन कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। और इस पैन को हमने क्या किया है, 150 mm वुडन प्लैंक के ऊपर रखा है, ठीक है, जमीन में नहीं रखोगे आप, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जमीन में नहीं रखोगे, जमीन में रखोगे तो क्या होगा, धूल आएगी, है ना, मिट्टी आएगी, उसके कारण क्या होगा, अफेक्ट होगी आपकी रीडिंग। तो आप जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखोगे, कितना ऊपर, 150 mm या फिर बोल सकते हो 15 cm, ठीक है, मतलब आधा फिट। पेन कितना रहेगा, 225 mm का पेन रहेगा, ऊपर कितना रहेगी फ्री स्पेस, 50 mm की, ठीक है। किससे बना होगा ये अगर करोजन कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इसको बनाएंगे मोनल मेटल से, ठीक है, किससे बनाएंगे हम, मोनल मेटल से,
ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये गैल्वनाइज्ड आयरन से होता है ताकि करोजन ना आए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पेन है ISI स्टैंडर्ड पेन। ठीक है, देख रहे हो ISI स्टैंडर्ड पेन, ये कुछ नहीं है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म। क्या है ये? मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? क्लास ए पेन का। ठीक है, ये भी सर्कुलर ही होगा। ठीक है, क्या है इसका डाया है? 1225 mm, बाहर से बाहर, अंदर से अंदर देखेंगे तो 1220 mm। ठीक है, इसमें क्या होगी? एक कॉपर शीट लगी हुई होगी अंदर, ठीक है, 0.9 mm की। एक स्टर्लिंग वेल होगा, स्टिलिंग वेल। स्टिलिंग वेल क्या होता है? स्टिलिंग वेल जो कि अगर मेरा पानी, अगर उसमें वेव का फॉर्मेशन हो गया या थोड़ा भी टर्बुलेंस हो गया तो पानी क्या होता है? लहर बनाता है। उसमें आप रीडिंग ले सकते हो क्या? नहीं। तो हमने क्या बनाया? एक स्टिलिंग वेल। स्टिलिंग वेल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, स्टिल, यहाँ पे क्या रहेगा? पानी स्टिल रहेगा। ठीक है, ताकि आप क्या करो? आराम से रीडिंग ले सको। ठीक है, पानी हिलेगा नहीं। सेम इसमें भी एक वुडन प्लेटफॉर्म होगा 100 mm का, उसके ऊपर ये पैन रखा होगा। ठीक है, ये पैन भी किससे बनेगा? गैल्वनाइज्ड आयरन से। ठीक है, अंदर किससे लगी है? शीट कॉपर की। उसके ऊपर क्या लगा है? वायर मैश कवर। ठीक है, तो अभी हम साइड से देख रहे हैं, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये सर्कुलर है कुछ। ठीक है, और आपको क्या दिखेगा? वायर मैश कवर, हेक्सागोनल वायर मैश कवर। ऐसे पूरे पैन के ऊपर क्या लगा होगा? वायर की नेटिंग। क्यों लगा के रखी है वायर की नेटिंग? ताकि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है ना, बर्ड्स ना आ जाए या कुछ ना आके उसको अफेक्ट ना कर सके। ठीक है, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम भी होगा, 40% कम इवोपरेशन बताएगा इसमें, 14। ठीक है, कितना? 14%। नोट डाउन कर लेंगे हम इसके पॉइंट्स कुछ, है ना, इसके बाद पहले समझ लेते हैं। क्लियर है, स्टर्लिंग वेल क्यों दिया हुआ है, वायर से हमने इसको कवर क्यों किया हुआ है, इसके डायमेंशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, इसका और मॉडिफाइड फॉर्म आ गया एक और, कोलोराडो श्रंकन पेन। ठीक है, अब क्या होता है, ज्यादातर जो लेक्स होती हैं या वाटर बॉडी होती है वो ग्राउंड लेवल से क्या होती है? नीचे होती है ना, है ना। जैसे ये अगर आपका कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका कोई ग्राउंड लेवल है, तो आपकी लेक क्या होगी? कुछ ऐसे होगी लेक। ठीक है, यहां पे पानी भरा होगा, है ना। लेक हमेशा क्या होती? ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा नीचे होती है। तो उसके एरोडायनेमिक्स अगर एकदम सही हो तो आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो ये पैन को भी हमने क्या किया? ग्राउंड लेवल से नीचे धसा दिया थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर कितना छोड़ा? सिर्फ 50 mm, बाकी जो पूरा 410 mm था, ये 460 में से वो क्या किया हमने? ग्राउंड के नीचे रखा। ठीक है, ये कैसा होगा? एक स्क्वायर बॉक्स होगा। अभी तक हमने जो ये देखा था ISI पैन और क्लास ए पैन, ये सब कैसे थे? सर्कुलर थे। ठीक है, लेकिन ये वाला पैन कैसा होगा? ये होगा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा? और अच्छे से एरोडायनेमिक्स बताएगा, लेक की डिस्क्राइब करेगा, और उसको इसके लिए क्या है, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, कि हम जैसा लेक है वैसे एरोडायनेमिक्स इस पेन की रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। क्या होगा? इनको इंस्टॉल करना आसान है, इसको इंस्टॉल करना क्या हो गया? थोड़ा सा मुश्किल है ना, ये थोड़ा सा महंगा आएगा एज कम्पेयर टू दीज पेन। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी यहाँ पे मान लो लीकेज हो गया, तो ये तो जमीन के अंदर है, आपको लीकेज पता चलेगा क्या? अगर माइनर लीकेज होगा तो पता चलेगा? नहीं डिटेक्ट कर पाओ, है ना, मेंटेन करना मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं US जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं USGS फ्लोटिंग पेन। नाम ही लिखा है क्या? फ्लोटिंग पेन, मतलब ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है, अगर कोई वाटर बॉडी है, मान लो ये लेक है, ठीक है, ये क्या है? कोई लेक है। तो अभी तक हम ये पेन को कहाँ रख रहे थे? इसको ग्राउंड के नीचे रखा था, इसको ग्राउंड पे रखा था, इसको भी ग्राउंड पे रखा था, मतलब ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर। तो इस वाले पेन में क्या करेंगे हम? इस वाले में इस पैन को आप लेक के अंदर ही क्या करा दोगे? फ्लोट करा दोगे। ठीक है, क्या करोगे? लेक के अंदर ही फ्लोट करा दोगे।
तो ये क्या बताएगा आपको, लेक की और अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, वैल्यू कैसी आएगी आपकी और अच्छी आएगी, क्लियर है। चलिए अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है, इसकी थ्योरी नोट करेंगे आप। चलिए अब इसके नोट्स को नोट कर लेंगे आप। इवापोरेटर क्या होता है, इट इज अ वाटर कंटेनिंग पैन विच आर एक्सपोज टू द एटमोसफियर एंड द लॉस ऑफ वाटर मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने बताया था कैसा होता है, ये एक पैन होता है जिसमें पानी रखते हैं हम, है ना, और जो जो जब जब इससे इवापोरेशन होता रहता है आप इससे नोट करते रहते हैं वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग टाइप के देता था मैंने आपको, पहले लिखेंगे क्लास ए पेन, किससे बना हुआ होता है, अनपेंटेड गैल्वनाइज्ड आयरन, ठीक है। अगर कोरोजन एक कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम इसको मोनल मेटल से बना लेते हैं, ठीक है, एक ही मेटल। डेप्थ ऑफ वाटर इज मेंटेन बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर, डेप्थ हम मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है ना, इसमें हमने कोई ना वायर नेटिंग लगाई है ना कुछ किया है, ठीक है, तो इससे वैल्यू कैसी आएगी, कम एक्यूरेट, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था ISI स्टैंडर्ड पेन, ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, क्लास ए पेन का, क्योंकि इसके डायमेंशन क्लास ए पेन जैसे ही हैं थोड़े बहुत, लेकिन साथ में क्या लगी है, एक हेक्सागोनल वायर नेटिंग, पेन इज कवर्ड विथ हेक्सागोनल वायर नेटिंग ऑफ गैल्वनाइज्ड आयरन। तो जो वायर होंगे वो भी किसके होंगे, गैल्वनाइज्ड आयरन के, क्यों, ताकि ये जो वायर है उनमें क्या हो, करोजन ना आए, ठीक है। वायर हम लगा क्यों रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, चिड़िया आके पानी पी लेगी, है ना, तो उससे भी बचाना है, तो आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी ना, है ना। टू प्रोटेक्ट द वाटर इन द पैन फ्रॉम बर्ड्स या फिर अदर एनिमल्स, ओके। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ वायर मैश क्या करेगा, वायर मैश की अगर प्रेजेंस रहेगी तो मैंने बताया था क्या होगा, एक तो हम चिड़िया से बच जाएंगे, लेकिन 14% लेस इवोपरेशन वैल्यू आएगी। लेकिन इससे एक एडवांटेज है क्या, ये क्या करता है, वाटर टेम्परेचर मोर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग डे एंड नाइट, लेकिन लेक में ऐसा होता है क्या, नहीं, तो ये कैसी वैल्यू देगा, ये भी कम एक्यूरेट वैल्यू देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कलोराडो श्रिंकन पैन क्या होता है, ये ग्राउंड के अंदर रहता है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर हम इसको छोड़ देते हैं बस, ठीक है, ये भी किससे बना होता है, अनपेंटेड गैल्वनाइज्ड आयरन से, लेकिन ग्राउंड के अंदर होने के कारण इसकी एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेडिएशन क्या हो जाते हैं, सिमिलर टू लेक, क्योंकि लेक भी ग्राउंड लेवल से कैसी होती है, नीचे होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। मैंने बताया था डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर इसमें कोई लीकेज रहा तो पता चलेगा क्या, नहीं, है ना, तो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट लीकेज, इंस्टॉलेशन कैसा होगा, एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे है तो अगर आसपास कोई पेड़ उग जाता है ना, या कोई डस्ट आती है तो उससे बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना, तो उसके हमको क्या करना पड़ेगा, उसका टेक केयर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं USGS फ्लोटिंग पैन। फ्लोटिंग पैन में क्या करते हैं, हम पैन को फ्लोट करा देते हैं उसी वाटर बॉडी में जिसको हमको कैलकुलेट करना है, तो इससे क्या हो जाता है, एक सिमुलेशन बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाती है ना, तो टू सिमुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज वाटर बॉडी दिस स्क्वायर पैन, ये कैसा होता है कि स्क्वायर पैन होता है, साइज क्या होता है, 900 mm और 450 डीप, सेम ऐसा ही, लेकिन डायमेंशन थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा, ठीक है, ये 920 और 460 का है, ये कैसा होगा, 900 और 460 का, और क्या करेंगे हम इसको एक बड़ी सी बोट में या राफ्ट में रख देंगे, ठीक है, इसके नीचे क्या होगा, ड्रम, ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज में, है ना, क्या रहता है, ड्रम रहता है पानी के ऊपर, उसके ऊपर एक बोट डाल देते हैं वो लोग, तो पानी में तैरने लगता है वो, है ना, तो हम भी क्या करेंगे, ड्रम रखेंगे नीचे, उसके ऊपर डालेंगे बोट, और उसके ऊपर क्या रखेंगे, बोट के ऊपर इस फ्लोटिंग पैन को, ठीक है, देखेंगे, सपोर्टेड बाय अ ड्रम फ्लोटिंग इन द मिडिल ऑफ अ राफ्ट ऑफ साइज 4.25 मीटर इंटू 4.87 मीटर इज अ सेट अ फ्लोट इन अ लेक, ओके। और साथ में आप क्या करोगे, एक डायगनल बफल्स भी दोगे, डायगनल बफल्स भी डालोगे उसमें, क्यों, क्योंकि क्या होगा, अगर आप ऐसी वाटर बॉडी में छोड़ देते हो तो क्या होगा, वेव आएगी या पानी विंड आएगी तो क्या होगा, वो फ्लोटिंग हिलेगा ना, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्या होगा, हिलेगा, है ना,
तो अगर वो हिले ना, वेव एक्शन आपका दूर रहे और सर्ज भी ना आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डायगोनल बफल्स डालोगे। क्लियर है चारों चीज? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए तो इवोपरीमीटर से जुड़ा एक और टर्म देखेंगे हम, पैन कोफिशियंट। ठीक है, ये क्या होता है? अब देखो ये है आपका लेक, है ना, और ये है कोई छोटा सा पैन। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है लेक में और जो रिलीज हो रही है वो बहुत अलग होगी एज कंपेयर टू पैन, है ना। ये अगर लेक है और ये मेरा पैन है, है ना, तो ये क्या होगा, मेटल का बना है। हमने देखा ज्यादातर किसके बने हैं, सारे पैन मेटल के बने हैं। और अगर हम क्लास ए और ISI को अगर ध्यान में रखेंगे तो वो तो ऊपर भी रहते हैं, है ना, कोलोराडो श्रंकन पैन या फिर फ्लोटिंग पैन, तो चलो जमीन के अंदर है तो उनका थोड़ा सा हीट एब्जॉर्प्शन या हीट रिलीज सेम होगा लेक के जैसे। ठीक है, लेकिन क्लास ए पैन और ISI पैन का क्या होगा, कुछ अलग होगा हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब एज कंपेयर टू लेक, है ना। ये ज़्यादा इवोपरेशन करेगा, इसमें ज़्यादा इवोपरेशन होगा पैन में एज कंपेयर टू लेक, है ना। एक और चीज़ है पैन के, ये मान लेते हैं अगर पैन है कोई, ये पैन है तो इसके ऊपर एक रिम लगी होती है, है ना, इसके ऊपर एक रिम भी देखा हमने जो फ्री वाटर सरफेस देती है हमको, रिम लगी होती है, तो इसके कारण क्या होगा, जो विंड आएगी वहां पे उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है ये। लेक में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेक के लिए मतलब पैन के लिए क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन बन गया ये रिम, और इस रिम का शेडो भी आएगा इस पानी पे, ठीक है, तो वो भी अफेक्ट करेगा किसको, पैन के इवोपरेशन को। ठीक है, तो दोनों को एक ही कंपैरिजन में लाने के लिए हमने कोफिशिएंट निकाला क्या, पैन कोफिशिएंट। ठीक है, एज कंपेयर टू पैन लेक में इवोपरेशन कम होगा, पैन में इवोपरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो लेक के इवोपरेशन को निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया, लेक इवोपरेशन इज इक्वल्स टू CP इंटू पैन इवोपरेशन। ठीक है, मतलब लेक में इवोपरेशन की वैल्यू ज्यादा आ रही थी, पैन में कम आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया, एक टर्म निकाला CP, जिसको हम बोलते हैं पैन कोफिशियंट। ठीक है, जिससे क्या हो, लेक का इवोपरेशन पैन इवोपरेशन को आप लेक इवोपरेशन में इजीली कन्वर्ट कर सको। ठीक है, चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट CP की वैल्यू देखेंगे हम। ठीक है, तो क्लास ए की 0.7 होती है, ISI की 0.8 होती है, कोलोराडो श्रंकन पैन की 0.78 और USGS की 0.8। ओके, इनका रेंज भी दिया हुआ है, जिससे ये वेरी करती है, डिपेंड करता है कि इसका इंस्टॉलेशन कैसा हुआ है। ठीक है, रेंज के लिए क्लियर है, ये डाटा आपको क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है, याद करना हो तो एवरेज वैल्यू कर सकते हैं, रेंज की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे हमने रेन गेज का एक नेटवर्क देखा था, रेन गेज का नेटवर्क होता था कि हाँ भाई इतने किलोमीटर में, अगर प्लेन है तो 500 किलोमीटर में, 500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक रेन गेज होना जरूरी था, वैसे इवोपरेशन मीटर, ये जो पैन होते हैं इनका भी एक डाटा होता है कि अराइड जोन, है ना, जहाँ बारिश कम होती है लेकिन गर्मी तो पड़ती है ना बहुत ज़्यादा, तो वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ वन स्टेशन फॉर 30,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, और अगर ह्यूमिड जोन है तो वन स्टेशन फॉर 50,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, और अगर कोल्ड रीजन है जहां पे टेम्परेचर ठंडा रहता है, वहां इवोपरेशन कैसा होगा, बहुत कम होगा ना, ठंडी जगह है ना, पोलर रीजन मान लो, या बहुत ठंडी पड़ती है जहाँ जहाँ गर्मी कम पड़ती है, ठीक है, माइनस में जाता है टेम्परेचर, शिमला पकड़ लो, तो वहाँ इवोपरेशन कैसा होगा, कम होगा, है ना, तो उसके लिए वन स्टेशन फॉर 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
चलिए, तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहले अपन पेन के प्रॉब्लम भी कर लेते हैं एक, ठीक है। पेन कोफिशिएंट जो हमने देखा था, पेन देखे थे डिफरेंट। तो अ क्लास ए पेन वॉज सेट अप एडजसेंट टू अ लेक, ठीक है। एक क्लास ए पेन है, किसके बाजू में रखा हुआ है, लेक के। द डेप्थ ऑफ द वॉटर इन द पेन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टन वीक वॉज 195 mm, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इनिशियल रीडिंग कितनी है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं सॉल्व, है ना। इनिशियल रीडिंग कितनी है, इनिशियल रीडिंग है, ठीक है। तुरंत अगर आप डाटा लिखते जाओगे तो आपके लिए भी इजी होगा क्वेश्चन बनाना, ठीक है। इनिशियल रीडिंग कितनी है, 195 mm। इन दैट वीक देयर वॉज अ रेनफॉल ऑफ 45 mm। मतलब क्या हुआ, ये पानी ऐड होगा कि रिमूव होगा, ऐड हो जाएगा ना। रेनफॉल हुई कितने, 45 mm की, ठीक है। रेनफॉल कितना हुआ, रेनफॉल 45 mm का, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड 15 mm ऑफ द वॉटर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पैन टू कीप द वॉटर लेवल विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। तो 15 mm पानी हमने क्या किया, वो पैन से फेंक दिया, तो वो इवॉपरेशन में गया क्या, नहीं, वो तो बाहर चला गया। तो हम माइनस करेंगे, है ना, रिमूव्ड वॉटर, रिमूव्ड वॉटर, इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो पहले इसे माइनस करके लिख देता हूं मैं, है ना, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। रिमूव फ्रॉम द पेन टू कीप द वॉटर लेवल विद इन द स्पेसिफाइड रेंज, ठीक है। इफ द डेप्थ ऑफ द वॉटर इन द एंड इन द पेन एट द एंड ऑफ द वीक वॉज 190 mm, कैलकुलेट द पेन इवॉपरेशन यूजिंग अ सुटेबल पेन कोफिशियंट, एस्टिमेट लेक इवॉपरेशन इन दैट वीक, ठीक है। तो इसमें आपको कोफिशियंट भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको टेबल में कोफिशियंट बताया था। पेन कोफिशियंट क्या होता है, क्लास ए का, है ना, सी पी फॉर क्लास ए पेन, ये होता है 0.7, ठीक है, हमने कल टेबल पे देखा था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आखिरी में कितना बचा, 190 mm बचा, है ना। तो टोटल कितना हो गया, पहले टोटल वाटर इन पैन कितना होगा, 195 प्लस 45, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 240 mm, ठीक है। अब कितना बचा वाटर रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल, ठीक है, जो मैंने 15 निकाल दिया, तो उसके बाद फिर कितना बचा आफ्टर रिमूवल, कितना बचा 240 तो टोटल था, लेकिन मैंने क्या किया, 15 mm उससे निकाल दिया, है ना, क्योंकि ज्यादा हो जा रहा था पानी, तो 15 mm हमने निकाल दिया, तो कितना बचा 225 mm, ठीक है। 225 mm होना चाहिए था, अगर कुछ भी इवॉपरेशन नहीं होता, लेकिन लास्ट में कितना हो गया, 190 mm बचा ना, एट द एंड ऑफ द वीक 190 mm बचा, बचना कितना चाहिए था 225, तो बचा हुआ क्या हो गया, इवॉपरेट हो गया, है ना। तो वाटर इवॉपरेटेड, वाटर इवॉपरेटेड कितना हो जाएगा, वाटर इवॉपरेटेड 225 माइनस 190, क्या आएगा, ये आएगा 35 mm। तो वाटर इवॉपरेट कितना हुआ, 35 mm, ठीक है। ये तो पैन का इवॉपरेशन हुआ, हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है लेक का इवॉपरेशन, ठीक है। और आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, लेक इवॉपरेशन, लेक इवॉपरेशन इज इक्वल्स टू सी पी पैन कोफिशियंट इन टू पैन इवॉपरेशन, क्लियर है ना। लेक इवॉपरेशन क्या होता है, कल ही बताया था, पैन कोफिशियंट इन टू पेन इवॉपरेशन। तो पेन कोफिशियंट हो गया 0.7, और मेरा पेन कितना है, वाटर इवॉपरेटेड, पेन इवॉपरेशन भी बोल सकता हूं मैं इसको, ये कितना है 35 mm, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं कैलकुलेटर में, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा
0.7 × 35 ये आएगा 24.5 mm, 24.5 mm, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है 24.5 mm, ठीक है।